अस्सलाम वालेकुम भाई, अंदाम बिगौल आ गए मिस्टर अरब। ये है जमशेद रोड के ऊपर, सही है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के मामलात लग रहे हैं मुझे यहाँ, क्योंकि ये डिश है ही अरबियों की और इनकी पैदाइश भी वहीं है। मिस्टर अरब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये फार्मूला है ही असल वहीं का। और जो लज्जत, जो स्टाइल आप देख रहे हो ना, लेकिन ये प्रोफेशनल वहीं से आए कुक भी इसमें मेरे ख्याल से कोई भाई। मिस्टर अरब से मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये बनाने वाले, ये भी वहीं के हैं जी? एक रजब रजब साहब भी भाई सऊदीया से आए हैं, वहीं से आए हैं और ये यहाँ बना रहे हैं। अब इनके आज में जायका देखते हैं कि क्या है। इनकी एक और ब्रांच है सदर में मार्केट के पास, भाईजान जैनब मार्केट की तरफ भी इन्होंने खोल ली एक ब्रांच बहुत तेज़ी से। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको अगर सही टेस्ट लेना है मिस्टर अरब, जो है अरबियों की ब्रांच, तो आप आ जाए इस जगह जमशेद रोड। मैं इनका नंबर डाल लूँ, अगर आगे पीछे हो जाओ यहीं से गुरु मंदिर से ऐसे मुड़ोगे लेफ्ट साइड पे जो सारा कमर्शियल है ना, यहाँ पर एक मशहूर कौन सी मस्जिद है, मस्जिद के वाली रोड पे आ जाओ, सीधे हाथ पर है, फैमिली की बैठने की भी जगह है। सदर जा सकते हो तो जैनब मार्केट वहाँ भी टच कर लो, और मैं इनका नंबर मेंशन कर दूँगा। मैं जायका पर तुम्हें बताऊँगा जब बन के आएगा। भाई जाना, आज आपका जायका देख रहे हैं कि वाकई में मुझे सऊदीया की याद आती है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत खाया वहाँ। आ जाओ। हेलो भाई, साथ भाई सिलसिला आ गया, देख लो जरा कैसे बनता है ओरिजिनल, जो फार्मूले वहाँ के वो दिखा रहे हैं। ये शावर में इसके अंदर पहले तूम सॉस जो कि गार्लिक सॉस होती है वो लगती है नीचे बेसिक में, उसके बाद चिकन है और फिर चीज़ है एलेपिनो, और नीचे तूम सॉस है वो भी सऊदीया की है, चिली गार्लिक सॉस की है। जो चीज़ें भाई सच सच जो भी बात है वो सब करके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी निगरानी में सारे काम करा रहे होते हैं। तो ये आपसे क्या बोला कि जैतून वही का है? नहीं, हाँ ये भाई भी हम वहाँ से मंगाते हैं, हॉट सॉस जो भी है सस्ता वो भी हम सऊदीया से मंगाते हैं, तहीना भी हम सऊदीया से मंगाते हैं। तो ये हमारा मकसद है आपको दिखाने का कि ऐसी चीज़ें कराची में करीब करीब आपके घरों के जो वायरल नहीं हुई हुई, जो पता नहीं है, तो यहाँ आके अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाएगी, मुनासिब रेट है और चीज़ बच्चे अच्छी खा लेंगे। मेरा मकसद है, मेरे भी बच्चे हैं ना यार, और अब हम खाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि अब चीज़ बन गई है, तैयारी हो। भाई कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लेंगे, मेरे मसूड़ों से पानी आ रहा है, वहाँ से नहा कर आया हूँ, कलेजा खिंच रहा है। मैं नहाने के बाद भूख लगती है मुझे दुम्बे की तरह, जैसे दुम्बे को नहलाओ ना उसको भूख लगती है, हमें दुम्बे को नहलाने के बाद बहुत भूख लगती है दुम्बे को। तो ये हमारा तरतीब ऐसी बननी बोल रहा हूँ कि अब ये रखो भाई, मैं बाहर बैठा हूँ, जब हो तो फिर आ जाना, सही है भाई? फिर हम करेंगे। हाँ भाई, साथ भाई आ गया माशाल्लाह से, और इस तरह अरब भी हमारे साथ बैठे हैं, अब ये बताएंगे कि ये है क्या क्या चीज़ें। तो हमको तो अभी दीजिएगा हजरत, ये क्या है? ये शवरमा अरबी है, और ये शवरमा अरबी, और ये सहन शवरमा। भाई ये वाला मुझे लग रहा है रोटी अलग से है, ओ भाई ये रोटी अलग से, और निवाले तोड़ तोड़ के जो है ना ये मामला करना पड़ेंगे। और वो पिज्ज़ा शवरमा, वो भाई पिज्ज़ा, ये जो सोसेज है तहीना, ये भी सऊदीया से हम मंगाते हैं, ये पपकेन सॉस,
ये थूम सॉस गार्लिक सॉस जो होती है प्योर गार्लिक की बनी है। भैया भाई अब हम खा लें भाई, खा लें आप बनाते रहो, अब हम खा रहे हैं। चलो भाई शुरू करो अपने तो बर्दाश्त किए। मैं दिल से कह रहा हूँ, भाई हो के कह रहा हूँ, भाई वाली बात कर रहा हूँ, आना ज़रूर। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आना ज़रूर। मेरी हालत बहुत टाइट हो रही, हाथ कांप रहे मेरे मुँह से। पकड़ भाई, चलो भाई, चलो भाई। ये भाई मिस्टर अरब से हम और बातें कर लें थोड़ी सी, क्योंकि यार देखो कभी कभार आना होता है, मामला आते हैं और ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनसे और भी चीज़ें पूछ लेते हैं। असर आपके दिमाग में कैसे आएगा ये पाकिस्तानियों को ये डिश खिलाऊं और आऊं? वहाँ भी आप यही काम करते थे? जी वहाँ पे मैं एक दोस्त के साथ यही काम करता था। फिर हमारे जो बच्चे हैं हर साल इधर आते थे पाकिस्तान छुट्टी पे, नानी के घर पे, जब जैसा आपने कहा नानी से मिलने अम्मी के घर के पास आते थे भाई। इनकी भी भाई, इनका भी ससुराल यही है, मेरा ससुराल बराबर में, मैंने भी अपनी बीवी की अम्मी के घर के बराबर में ही खोली है। इन्होंने दुकान भी अपने ससुराल के पास खोली है। आइए भाई आइए, चिकन बर्गर भी आइए, बीफ बर्गर आइए, बीफ शेख अल अरब बीफ। ओह भाई वो ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे थे जो अरबी के अंदर आते हैं? इतने ये फुल प्रोफेशनल है अदनान बिकॉज ने जो बनाया ना, अभी ये मामला ये कोई हल्के नहीं है, सारा सऊदीया का माल है। मैं कहता हूँ ये वाली भी सऊदीया की थी जो आप कह रहे थे, ये कॉकटेल सऊदी। तो आपने वहाँ पे भी काम यही वहाँ पे करा था? फिर बच्चे हमारे यहाँ पे आते थे शवरमा खाने के लिए, तो फिर यहाँ पे कहते थे कि बाबू सालन वाला शवरमा मिल रहा है, मक्के जैसा नहीं है। तो ये फिर हमने कहा कि भाई अपने मुल्क में भी वो चीज़ लेके आए। लेकिन भाई देखो ससुराल ऐसी चीज़ है कि ये कहाँ से कहाँ के टपके, कि अम्मी के घर के बाद मेरी वीडियो में झूठ थोड़ी बोला था, बराबर में ससुराल है और दुकान यही खोल ली, और अब जाना भी कम हो गया, यही गरीब आ गए, बेगम को कुछ करना पड़ता है। अब ये कि सेंट्रल में आप जो डिलीवरी जो होम डिलीवरी है जो मैं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल के अंदर आधे पौन घंटे में घरों में पहुँचा देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह 45 मिनट के अंदर आपके घर में, कराची नाजमाबाद नॉर्थ नाजमाबाद आपकी बीवी की अम्मी के घर के पास भी। भाईजान आप चिल्ले की तरतीब बनाओ और ये नंबर मैं दे रहा हूँ, ये घर में बच्चे खुद ही मंगा के खाते रहेंगे 3 दिन तक, और निकलने की करो भाईजान आप कराची इस्तेमा में, बल्कि वो रायवंड भी तो आ रहे हैं। हाँ रायवंड इस्तेमा भाई लाहौर का ये 10 तारीख को निकलेगी बस, उसमें 3-4 दिन का पैकेज बनाओ और ये सब घर में पहुँच जाएगा भाई, खाना भरपूर। बच्चों को लालच दो, बोलो बेटा नंबर दे दिया आपको, फोन करें 45 मिनट में। अब जो कितनी चीज़ें हमारे पास, मेरे ख्याल से 5-6 आइटम हैं। जी जी 6-7 आइटम हैं, शावरमा बीफ बर्गर क्लब सैंडविचेज और शावरमा फ्राइज है हमारे, वो भी स्पेशल है भाई जान। ये सारी चीज़ हो गई, लेकिन ये जो बीफ बर्गर है ना ये अब ठंडा हो रहा है, अब हम इसको भाई जान ज़रा कराची में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। भाई के नॉर्थ नाजमाबाद वाले डिफेंस वाले नाराज़ हो जाएंगे, उनको भी मिल जाएगी। भाई जान बहुत फास्ट काम कर रहे हैं माशाल्लाह, पूरा वो लेके उतरे, पूरे सेटअप से उतरे लोग। चलो भाई अब आ जाओ इंशाल्लाह भाई, बीफ बर्गर ज़रा साथ भाई, माजरत है भाई मैं ज़रा भूख का कच्चा हूँ, आ जाओ भाई। आओ भाई जान भाई यार, सलाह के पत्ते वत्ते किए तो भाई बड़ा खतरनाक सेटअप लग रहा है। भाई जान ये देखो रॉकेट आई है, ये सऊदी अरब, इन्होंने कहा ये अखबार में लेटो भाई, अरबी में क्या कहते हैं रॉकेट? शाहरुख। शाहरुख हमने यहाँ पे शहर में नाम शाहरुख है, सऊदी में भी इसी नाम से मशहूर है शाहरुख। भाई जान आप लोग भी आइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त चाहिए। अब हम ये खा लें भाई, एक मिनट है, एक चक मार। ओहो चक मार रॉकेट है भाई, रॉकेट यार ये आ गया, ये आ गया। वाह भाई वाह, क्या कर रहा है